वेलकम बैक टू फाइनल एपिसोड ऑफ जयपुर ट्रिप सीरीज। आज के एपिसोड में हम बापू बाजार और जौहरी बाजार चलेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रिप बिना शॉपिंग एरिया एक्सप्लोर किए कंप्लीट नहीं होती है। और साथ ही में एक बहुत मस्त मौला इंसान से मिलेंगे, जो कि आप जिससे आगे मिल ही लेंगे। और हमारे साथ एक होती है छोटी सी ट्रेजेडी, जो आपको वीडियो में पता चल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सही भैया, आपका नाम क्या है वैसे? नाम क्या है? जितेंद्र। तो आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 1993 से काम कर रहा हूँ। 1993 से मैं बचपन से लगे 10 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। 40 साल की उम्र है मेरी। अच्छा, तब से कर रहा हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है। भगवान और बरकत दे आपको भाई। आपकी बहुत एक अच्छी लीला, बहुत खास के बात करते हैं, बहुत अच्छे से। ये बहुत अच्छी खासियत है आपकी। हम भी सफर ट्राई करें। ये है हमारे अमन वर्मा, जो साफा ट्राई करने जा रहे हैं। दूल्हे का सेहरा इधर आ, इधर धूप पड़ा। सब लाल ही लाल हैं। और पीछे हो जा थोड़ा। जौहरी बाजार है, जौहरी बाजार है, जौहरी बाजार है। बड़ी चौपड़ के जो कोने पे है विश्वनाथ अग्रवाल साफी वाले के नाम से। भाई भाई बता दीजिए खादी की तरफ से। ठीक है भैया, बहुत सारा साफा बनाते हो आप भैया। ट्रेन छूट चुकी है सबकी, लेकिन हम लोग तब पर भी खुश रहेंगे। टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं, ना ही ट्रेन मिलने वाली है। ओके, टेंशन नॉट। चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ जी, तो सीन ये रहता है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी गलती और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ट्रेन छूट जाती है। फिर प्लान ये बनता है कि हम लोग गाड़ी रिजर्व करके आगरा से ट्रेन पकड़ लेंगे और हम लोग टाइम से पहले आगरा पहुँच भी जाते हैं। लेकिन वहाँ फिर से प्लान चेंज करके ट्रेन छोड़ देते हैं, वहाँ से जाते हैं मामा के घर और डिसाइड करते हैं न्यू ईयर वहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो इस कुछ इस तरह हमारी 2020 की शुरुआत होती है और जयपुर ट्रिप सीरीज़ का एंड। और हाँ, वीडियो के एंड में आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है, तो देखना ना भूलें। तो हाँ, आपसे लेते हैं अलविदा अगले व्लॉग आने तक। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। टाटा बाय बाय।
आ जा वो कौन है? हेलो बोलो, हेलो टाटा बोलो, टाटा टाटा उसको बोलो टाटा। ओ आई 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 बोलो टाटा टाटा, आ जाओ टाटा, सबको बोलो टाटा।